बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों की? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को जहाँ रखे खुश रखे, आबाद रखे, इलाही आमीन सुम्मा आमीन। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। मैं आज बना रही हूँ दही गोश्त। तो दही गोश्त के लिए मैंने चिकन लिया है, तो ये आधा किलो चिकन था साफ़ करके, जो उसके बाद ये है 1.5 पाव से ज़्यादा ही है। तो अब ये मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब इसके अंदर मैं डालूँगी 1 गिलास पानी का। इसकी पहले मैं यखनी बनाऊँगी। यखनी के लिए मैंने ये 5-6 जो भी लहसुन के थे ये छिलके समेत ही मैंने लिए, उनके 2-2 पीस बना लिए हैं। और आधा इंच का टुकड़ा मैं, क्योंकि मेरा गोश्त कम है ना, तो आधा इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लेके इस तरह छोटे छोटे पीस के, और एक प्याज छोटी लेके मैंने उसके भी इस तरह मैंने काट लिया बारीक बारीक, क्योंकि चिकन मटन जो वो होता है तो फिर थोड़ा ज़्यादा पकता है। इसमें मैं डालूँगी धनिया, मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून। एक इसमें डालूँगी दालचीनी का टुकड़ा, 2-3 काली मिर्च, ये 4-5 काली मिर्चें मैंने डाल दी हैं। अब इसको हम लोग यखनी को चढ़ा देंगे पकने के लिए। 1/2 टीस्पून इसमें मैं नमक डाल दूँगी। इसको मिक्स करके अब इसको मैं थोड़ी देर पकाऊंगी ताकि इसकी यखनी बन जाए। इसको मैं अभी ढक के रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, तो 10 से 15 मिनट के लिए। हमारी देखें अब तैयार हो गई है। 10 से 12 मिनट मैंने पकाई है। अब मैं इसको ना इसकी बोटियाँ अलग कर लूँगी और यखनी छान के अलग कर लूँगी। तो मैं इसको अलग करती हूँ। और मैं एक चीज़ आप लोगों को और दिखा दूँ कि ये मसाला मैंने पीसना है। काली मिर्चें हैं 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून जीरा है, 1 टीस्पून धनिया है। इसको मैं अभी मोटा मोटा कूट लूँगी, या थोड़ा सा मतलब दरदरा सा कूट लूँगी इसको मैं। मैंने ऑयल डाल दिया 1/2 कप के करीब। अब इसमें मैंने एक बड़ी प्याज लेके बारीक बारीक काट ली, ये इसके अंदर डालेंगे। इसको फ्राई करेंगे प्याज को। ये देखिए हमारे प्याज को ना कलर आ गया है, ट्रांसपेरेंसी हो गई है प्याज हमारी। ज़्यादा मैंने बहुत ज़्यादा लाल नहीं की है, चुनना सालन का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं डालूँगी ये 1 टीस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं है बल्कि कुटा हुआ है, मैंने इसको कूटा था, बहुत पेस्ट नहीं है, कूटा हुआ है। अच्छा, अब इसके साथ मैं ये गोश्त डाल दूँगी जो मैंने निकाला था। गोश्त डालेंगे इसके अंदर, इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर मैं डालूँगी दही। इसके अंदर मैं तकरीबन 1 पाव जितना मैंने इसको फेंट लिया दही को, 1 पाव पूरा मैंने 1 पाव दही डाल दिया है। ये मेरे घर का ही बना हुआ था, इसको मिक्स करेंगे इसके अंदर। इसके अंदर मैं डालूँगी मसाले, मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे, धनिया, ज़ीरा और काली मिर्चें, ये डाल देंगे इसके अंदर। वन टी स्पून लेवल मैंने इसमें कुटी हुई मिर्चें डाल दी हैं। ये दही के साथ मैं भूज को मैंने चलाया थोड़ी देर। अब इसमें मैं डालूँगी यखनी। ये मैं जो यखनी छान के निकाली है, ये यखनी डाल दूँगी इसके अंदर। अभी यखनी के वैसे भी थोड़ा सा गोश्त हमारा गला हुआ ही है, और दही अच्छा मीठा लीजिएगा, दही बिल्कुल भी खट्टा मत लीजिएगा। अब इसको मैं थोड़ी देर इसके अंदर पकेगा। इसके अंदर एक दो चीज़ें और डालेंगी, पैन में डालेंगे। देखिए भाई मेरा सालन तैयार हो गया है। अब मैं इसको ना इसके अंदर हरी मिर्चें डालनी है, और मैं डिश आउट करूँगी तो फिर डालूँगी। देखिए तैयार हो गया हमारा। बस मैंने इतना शोरबा रखा है, आप लोगों की मर्ज़ी है कितना रखें, तो मैंने बस ज़्यादा नहीं रखा है। चलो इसको डिश आउट करते हैं। अब देखिए भाई मेरा ना दही गोश्त तैयार हो गया है। तो
अगर आप लोग को मेरी रेसिपी पसंद आए तो मैंने ऊपर मक्खन भी डाल दिया है ना, वन टी स्पून भर के मैंने ये मक्खन डाला है इसके ऊपर। तो अगर आप लोग को मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप लोग मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि ना कैसी लगी आप लोग को रेसिपी। आखिर में ये आप लोगों के लिए दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला आप लोगों को जहाँ रखे खुश रखे, आबाद रखे, आप लोगों को मेरा दस्तरखान अल्लाह ताला हमेशा भरा रखे। इलाही आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूंगी। अल्लाह हाफिज़।